दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2003 में रिलीज हुई टीवी सीरियल शरारत के स्टार कास्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पे 2003 में जितने भी स्टार कास्ट थे कैसे दिखते थे और आज वो कैसे दिखते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल स्टार कास्ट प्लैनेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट के पहले नंबर पर आती हैं पूनम नौरेला। पूनम नौरेला ने राधा का किरदार निभाया था और उस टाइम पे जो उनकी एज थी 27 वर्ष की थी और आज ये 47 वर्ष की हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आती हैं फरीदा जलाल। फरीदा जलाल ने सुषमा यानी नानी का किरदार निभाया था और उस टाइम पे जो इनकी एज थी 54 वर्ष की थी और आज ये 74 वर्ष की हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं करणवीर बोहरा। करणवीर बोहरा ने ध्रुव का किरदार निभाया था और उस टाइम पे जो इनकी एज थी 21 वर्ष की थी और आज ये 41 वर्ष के हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हर्ष वाशिष। दोस्तों हर्ष वाशिष ने राजा का किरदार निभाया था और उस टाइम पे इनकी जो एज थी 27 वर्ष की थी और आज ये 47 वर्ष के हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं महेश ठाकुर। इसमें महेश ठाकुर ने सूरज का किरदार निभाया था जिसमें उस टाइम पे जो इनकी एज थी 34 वर्ष की थी और आज ये 54 वर्ष के हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती हैं अदिति मलिक। अदिति मलिक ने मीता का किरदार निभाया था जिसमें उस टाइम पे जो इनकी एज थी 21 वर्ष की थी और आज ये 41 वर्ष की हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती हैं ईवा ग्रोवर। ईवा ग्रोवर ने राधा का कैरेक्टर प्ले किया था और उस टाइम पे जो इनकी एज थी 23 वर्ष की थी और आज ये 43 वर्ष की हो गई हैं। इस लिस्ट के नेक्स्ट नंबर पे आती हैं सोमानंद। सोमानंद ने शांति का कैरेक्टर प्ले किया था और उस टाइम पे जो इनकी एज थी 45 वर्ष की थी और आज दोस्तों ये 65 वर्ष की हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आती हैं मेनका ललवानी। मेनका ललवानी ने टीन कैरेक्टर प्ले किया था और उस टाइम पे जो इनकी एज थी 14 वर्ष 14 ईयर्स की थी। दोस्तों आज ये 33 वर्ष की हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट नंबर पे आती हैं श्रुति सेठ। दोस्तों श्रुति सेठ ने जिया का किरदार निभाया था जिनकी एज उस टाइम पे 26 वर्ष की थी और आज ये 45 वर्ष की हो गई हैं। तो दोस्तों ये थे शरारत टीवी सीरियल के स्टार कास्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।